मरियम, कैप्टन मोहम्मद सागर, मोहतरम अमीर मुकाम, मोहतरम मुर्तजा जावेद अब्बासी, मोहतरम सरदार यूसुफ साहब और दीगर केपी के मुस्लिम लीग नून के जोमा और हजारा और मानसेरा के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग तो हजारा मोटरवे से दिन रात गुजरते हैं और नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं, लेकिन मैं आज पहली मर्तबा इस मोटरवे से गुजरा तो हर दम हर पहलू नवाज शरीफ को याद किया कि नवाज शरीफ वाकई पाकिस्तान का मेहमान है। इतनी शानदार मोटरवे जो नवाज शरीफ ने तामीर की है, उसके हम पल्ला मुल्तान सक्खर मोटरवे जो मियां नवाज शरीफ ने 2016 में उसका आगाज किया और अपने दौर में उसको उसकी तामीर मुकम्मल की, ये वो अजीम मंसूबे हैं सी पैक के जो नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। और मुझे जब कभी इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे से गुजरना पड़ता है तो आज ये मोटरवे देखकर मुझे एहसास हुआ कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की से हमकिनार कराने के लिए दिन रात मेहनत की। और आज मैं आपको ये कहने आया हूँ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मानसेरा के अजीम सपूतों, सुन लो मेरी बात कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क्यादत में मैं केपी को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद रखना, मेरी बात। लेकिन इसके लिए आपको भी फैसला करना होगा, ये इस तरह नहीं होगा। अगर आपको ये मंजूर है कि पेशावर को लाहौर की तरह तरक्की दिलवानी है और पूरे केपी को पंजाब की तरह तरक्की दिलवानी है, तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनाप्रस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कौन से धोखाबाजी करता है, महंगाई 3.5 साल में आसमानों से बातें करती रही और गुर्बत और बेरोजगारी में बेपना इजाफा हुआ, 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मैं मानसरा के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि फैसला कर लो कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यू टर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। और देखें अभी बिजली की, अभी तेल और पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी, बड़ी मजबूरी से दिल पे पत्थर रखकर ही हमें करना पड़ा, लेकिन उसके साथ 8 करोड़ लोगों को सब्सिडी भी दी। इसलिए
कि वो गरीब लोग कहां जाएं। इमरान नियाजी ने अपने आखिरी दिनों में तेल की कीमतें कम की, दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, और सिर्फ इसलिए कि उसको पता था कि आईनी तरीके से वो घर जा रहा है, और उसने हमारे लिए ये जाल फेंका। हमें मजबूरन अब ये कीमतें बढ़ानी पड़ी, लेकिन हमें आपकी तकलीफ का पूरी तरह पता है, एहसास है, इसलिए 28 अरब रुपए का महाना मैंने आवाम के लिए, 8 करोड़ लोगों के लिए 2000 रुपए महीने की सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह मैं आपको ये आज कहने आया हूं कि मैंने वहां से आज से 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि अगर केपीके हुकूमत आटे को सस्ता करती है तो ठीक, वरना मैं फिर इंशाल्लाह जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी, मैं करूंगा। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। कल से या परसों से पाकिस्तान भर में केपी शमोल यूटिलिटी स्टोर्स में आटा 10 किलो का 400 रुपए में मिलेगा, मगर मैं पूरे केपी में इंशाल्लाह सस्ता आटा मुहैया करूंगा। आज आखिरी मरतबा मैं वजीर आला केपी से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब ना दिया तो ये खादम हाजिर है, जिस तरह मैंने वहां पर कहा था आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। यहां पर आज बड़े मुतालबात किए गए हैं, खजाना खाली करके वो शख्स चला गया, कर्जों के बोझ इतने हैं कि हमारी नस्लें भी शायद ये कर्जे ना उतार सकें, लेकिन उस अल्लाह ताला पर हमें भरोसा है जिसने कहा है कि फजर की नमाज अदा करो, रिज्क की तलाश के लिए निकल जाओ। हम मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे नवाज शरीफ की क्यादत में, और खून पसीना गिराएंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। आज यहां पर मैं मानचेरा वालों आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का, और आप उस मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर डॉक्टर बने, फिजिशियन बने, सर्जन बने और आवाम की खिदमत करें। इसके अलावा मैं यहां के मानचेरा और उसके गिर्द व नवा के इलाकों की तरक्की, आपके गली मोहल्लों में जो आपके मसाइल हैं उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूं, 1 अरब रुपए, ताकि आप अपने इलाकों में जो आपके मसाइल उनको हल करें। और इसी तरीके से यहां पर जो हजारा के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक कंपनी का जो मुतालबा किया जा रहा है, इसको करना है नहीं करना, मुझे आवाज नहीं आई, करना है कि नहीं करना, अभी भी आवाज कर रहा है। तो आपके इस हुक्म के ताबे मैं यहां पर हजारा की इलेक्ट्रिक कंपनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आपको उसके ताके आपके बेपनाह फवायद मिलेंगे। और आज मैं जब आ रहा था तो मुझे पता चला बलूचिस्तान में वहां पर लोकल बॉडीज के जो नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज के इलेक्शन आज हो रहे हैं इंतहाई पुरअमन तरीके से, और 30-35% वोटर्स का टर्न आउट है, जो कि
बलूचिस्तान की तारीख में एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है। इससे साबित होता है कि बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले अवाम को अपने जमहूरी निज़ाम के ऊपर न सिर्फ एतमाद है बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से उनको ये यकीन है कि सिक्योरिटी बेहतर हो रही है। मैं केपी के अवाम को और ख़ास तौर पर यहाँ पर मानचेरा के बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानों को आपको आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगले बजट में जो जून में आना है नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जो स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में आला पोजीशन हासिल करेंगे उनको फ्री लैपटॉप आपको मुहैया करेंगे ताकि आप फ्री लैपटॉप चाहिए, कलाशनकोफ तो नहीं चाहिए। इमरान नियाजी कहता है, गाली गलौज करता है, मैं उसका जवाब नहीं देता, मैं उसका जवाब नौजवानों को लैपटॉप से देता हूं ताकि आप अपने हाथ में लैपटॉप रखें और काबिल बने, अजीम बने। आज मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर ना आया, मैंने कहा कमर में तकलीफ है, अल्लाह मालिक है, मैं आज जाऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे बातें करूंगा और आपको मैं ये कहूंगा कि उठो तगड़े हो, पाकिस्तान के लिए काम करोगे, करोगे, लड़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आजम, नवाज शरीफ, खुदा हाफिज। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।